vai dar. Eu te disse vai dar. तो गाइज आपने वीडियो देखी, पसंद आई? अगर गाइज आपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन का अगर आप यूज करते हैं इंस्टाग्राम रील्स का, तो दोस्तों आपने इस तरीके के वीडियो को जरूर देखा होगा 110%, क्योंकि ये वीडियो इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि पूछो ही मत, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकता, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो गाइज अगर आप भी सोचते हैं कि इस तरीके की वीडियो को कैसे बना सकते हैं, हमें अपनी वीडियो को बनाना है, अपनी वीडियो को एडिट करना है, तो कैसे करना होगा, तो गाइज आज मैं आपको बताऊँगा ऐसी वीडियो को बना के कैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो भी मटेरियल का मैं यूज़ करने वाला हूँ, म्यूजिक है, जो भी बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ, सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम से सारे मटेरियल को डाउनलोड कर लें। उसके बाद क्या करना है आपको, अपनी एक वीडियो को दोस्तों शूट करना होगा, 4 से 5 सेकंड की वीडियो, सिर्फ हम 3 सेकंड की वीडियो लेने वाले हैं, लेकिन आप जो वीडियो शूट करें वो 4 से 5 सेकंड करें, जो भी पार्ट बड़े होंगे उसे हम ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक्शन पर, किसी भी एक्सप्रेशन पर, किसी भी इंप्रेशन पर आपको वीडियो को शूट कर लेना है। अब गाइज जब आप अपनी वीडियो को शूट कर लें, उसके बाद दोस्तों आपको हमेशा की तरह ओपन करना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन। इसके अलावा आपको एक और एप्लीकेशन जरूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे दोस्तों डायरेक्ट आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा, आपको प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को आपको सिलेक्ट करना होगा। जो वीडियो आपने शूट की है उस वीडियो को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे गाइस यहाँ से मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है, तो आपको भी इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना होगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसके वॉल्यूम को आपको म्यूट कर देना होगा अपनी वीडियो के। अब गाइस यहाँ से हमें सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो लेनी है, हमें ये मतलब नहीं है कि वीडियो हमारी कितनी मिनट की है, कितनी सेकंड की है, हमें सिर्फ 3 सेकंड की वीडियो लेनी है। तो मैं इस वीडियो को सबसे पहले कर लेता हूँ ट्रिम, पीछे से मैंने ट्रिम कर दिया, क्योंकि दोस्तों हम जो वीडियो लेने वाले हैं वो हम लेने वाले मात्र 3 सेकंड की। और इससे पहले मैं दोस्तों यहां से इस वीडियो को थोड़ा जूम कर लेता हूं, तो आपको भी कर लेना होगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों यहां से हमारी वीडियो 3 सेकंड की हो गई। ठीक है गाइस, अब आपको क्या करना होगा सिंपली, तो उसके लिए दोस्तों यहां से हम बिल्कुल हमारी वीडियो लास्ट में हो, वहां पे आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो कैप्चर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करके ये कैप्चर कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे दोस्तों आपकी वीडियो काफ़ी खास बन जाए, तो यहाँ से मैंने कैप्चर कर लिया। अब क्या करना होगा, आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा और यहाँ से आपको ओपन करना होगा किसी भी अपनी गूगल को या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से आपको सर्च करना होगा रिमूव बीजी। जब रिमूव बीजी आ जाए, यहाँ से आपने जो भी कैप्चर किया है अभी उस फोटो को दोस्तों यहाँ से आपको उसे रिमूव कर लेना होगा, उसका बैकग्राउंड डाउनलोड वाले मोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। ये आ गया यहाँ से कैप्चर, तो इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। तो गाइस यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, उसके बाद नीचे आना है और यहाँ सबका ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड का, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। गाइस बैक जाना है और यहाँ से आपको ओपन करना होगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को। तो गाइस यहाँ से मैं कर लेता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को, आपको डाउनलोड कर लेना डायरेक्ट प्ले स्टोर से, या फिर दोस्तों इसका भी लिंक हो सकता है आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पे क्लिक कर देना है, प्रेस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, एडिट फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। अब गाइज यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है, ये वाला बैकग्राउंड, तो गाइज मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया इस बैकग्राउंड को, और इस बैकग्राउंड को आपको क्रॉप करना होगा। तो गाइज यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ इस तरीके से, आपको अच्छे से क्रॉप करना है, और यहाँ से जो रेशियो सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता दूँ यहाँ से कौन सा रेशियो आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से आपको एक रेशियो मिल जाएगा जी, ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं सिलेक्ट करना है आपको, स्टोरी वाला यहाँ से आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना, यही 9:16 रेशियो को, उसके बाद सही वाले ऑप्शन में क्लिक करके उस बैकग्राउंड को कट करके यहाँ पे लेना है। इस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है ऐड ए फोटो पे क्लिक करना है, जो भी बैकग्राउंड आपने अभी रिमूव किया था उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, ऐड बन पे क्लिक करना है, और यहाँ से हमारा फोटो आ जाएगा। इस फोटो को अच्छे से आपको यहाँ से बड़ा करने के बाद यहाँ पे ला के रख देना होगा, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके आपको अच्छे से ये करना है। तो गाइस यहाँ से मैंने इसे कर दिया, तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से बैक आ जाना है। अब सिंपली आपको क्या करना होगा, इस फोटो को आपको सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है इफेक्ट का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आ जाना है, मैजिक का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है,
और यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा तो थोड़ा आपको टाइम लगता है, वरना दोस्तों आपको सभी मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सोल का, ये वाला आपको लगा देना होगा। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये लग जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से ये लग चुका है। हमें कुछ सेटिंग करनी होगी तभी यहाँ से पूरा अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा। इस फेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको आपको फेड को ला के आपको यहाँ से 50 तक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बैक आ जाना है। अब गाइस यहाँ से ऐड फोटो पर आपको दोबारा क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एक PNG को सिलेक्ट कर लेना होगा, ये वाली PNG। इस PNG को आप जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ से लगा देता हूँ यहाँ पे, आप भी कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप इस फोटो को अपने फ़ोन में सेव कर लेना होगा। तो अब गाइस यहाँ से हमारा फोटो बनके तैयार हो चुका है। इस फोटो को सिंपली यहाँ से आपको बैक आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ को, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। ड्रॉ में जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सेव इमेज पर क्लिक करके आपको उसे सेव इमेज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दोबारा से जाना होगा यहाँ से कैन मास्टर एप्लीकेशन में, जहाँ से हमने इस फोटो को कैप्चर लिया था, यहाँ से ये फोटो आ गया है। अब आपको क्या करना होगा, मीडिया पे क्लिक करना होगा। जो फोटो अभी आपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से बनाया है आपको यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ से हमारा फोटो आ चुका है। यहाँ से आपको क्या करना होगा, म्यूज़िक वाली वीडियो को ऐड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं म्यूज़िक को ऐड कर लेता हूँ डायरेक्ट। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से म्यूज़िक को ऐड कर लिया। बाकी दोस्तों यहाँ से ये फोटो ज़्यादा बड़ा है तो सिंपली आप यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है। सिंपली गाइस यहाँ से मैं एक बार आपको वीडियो को चला के दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके की जो वीडियो थी आपने जैसा कि प्रीव्यू में देखा, तो इसी तरीके की GTA वाली वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों आप भी इस तरीके का स्टेटस बनाइए, आपकी भी हो सकता है रील्स ट्रेंड कर जाए, वायरल हो जाए। तो सिंपली आप यहाँ से एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी रेजोल्यूशन फ्रेम रेट रखने के बाद आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं।